आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज, आपकी बुलंद आवाज। आज प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश शासन एवं जनपद नोडल अधिकारी नितिन रमेश गौकर्ण ने मुख्य विकास अधिकारी अनुन्य झा के साथ अतरौली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र L1 कोविड हॉस्पिटल में जाकर निरीक्षण किया। कोविड हॉस्पिटल के निरीक्षण में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि कोरोना संक्रमितों का पता लगाने के लिए नगरीय के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में डोर टू डोर सर्वे पर विशेष बल दिया जा रहा है। संभावित कोरोना मरीजों को चिन्हित करने के लिए डोर टू डोर स्क्रीनिंग कराई गई है। अतरौली L1 हॉस्पिटल से 16 कोरोना संक्रमितों को L2 हॉस्पिटल में रेफर किया गया है, जहां से वह स्वास्थ्य लाभ लेकर घर जा चुके हैं। L1 हॉस्पिटल में वर्तमान में 69 संक्रमित व्यक्तियों का इलाज चल रहा है। PPE किट एवं मास्क पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। 188 चिकित्सकों के सापेक्ष 56 चिकित्सकों की ही तैनाती है। चिकित्सालय में सीवेज की समस्या को दूर कर दिया गया है। SDM पंकज कुमार ने बताया कि चिकित्सकों की शिफ्टवार ड्यूटी लगाई गई है। जब एक शिफ्ट की ड्यूटी पूरी हो जाती है तो उन्हें एक्टिव क्वारंटीन करते हुए दूसरी शिफ्ट के चिकित्सकों की तैनाती की जाती है। SDM ने बताया कि अब आम जनमानस में जागरूकता आई है और लोग आगे आकर जानकारी दे रहे हैं कि अमुक व्यक्ति को खांसी, बुखार, जुकाम आदि के लक्षण हैं। इसके साथ ही प्रमुख सचिव द्वारा आरोग्य सेतु ऐप एवं चिकित्सकों की आवश्यकताओं की जानकारी ली गई है। चिकित्सालय में कोविड हेल्प डेस्क का संचालित होना पाया गया है। इसके बाद प्रमुख सचिव ने नगर पालिका के 2 वार्डों की सफाई निरीक्षण किया और अधीनस्थ अधिकारियों से शहर की जल निकासी के लिए बनाए जा रहे नालों के काम में आ रही परेशानियों के बारे में पूर्ण जानकारी ली। नाला निर्माण में ग्राम पंचायत गांव खेड़ा पर आ रही समस्या को जल्द दूर कराने की कहा। इसके बाद उन्होंने तहसील क्षेत्र की 2 ग्राम पंचायतों के गाँव कखेतल और गाँव खेड़ा का भी निरीक्षण किया। इस दौरान CMO डॉक्टर BP कल्याणी व डॉक्टर भास्कर, SDM पंकज कुमार, CEO प्रशांत सिंह, तहसीलदार उषा सिंह, चेयरमैन पवन वर्मा, DPRO पारुल सिसोदिया, नोडल प्रभारी डॉक्टर खानचंद, प्रभारी डॉक्टर ब्रजमोहन जेई, राम कुमार सिंह, लिपिक राजकुमार वर्मा, सलीम अहमद आदि लोग मौजूद रहे।